एक्चुअली मेरे इस फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, नया फ़ोन है फिर भी इसमें सॉफ्टवेयर का कुछ ऐसा हो गया कि जब कॉल करते हैं लाइट आउट हो जाता है, फिर उसके बाद लाइट स्क्रीन में लाइट आता ही नहीं, तो फिर फ़ोन कट करना है या कॉल हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। इतना महंगा फ़ोन होने के बावजूद भी ऐसा है, सब प्रॉब्लम आ जाता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है क्या बोलेंगे, अभी जैसे सिंपल सा एक मैं कॉल करके दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने ये कॉल किया है, अभी कॉल हो रहा है, तो अभी इसमें स्क्रीन में अभी देखो मैंने यहाँ से ईयर से हटा लिया तो इसमें लाइट आना चाहिए ना, वो नहीं आता है, ये अभी आ गया और कभी नहीं आता है, फिर उसको ठोकना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, सब करने के बाद भी नहीं आता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ इसके गैलरी में और इसको चेक कराता हूँ, देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और वो लोग क्या करके देते हैं। तो चलो इंदर सर चलते हैं, निकलते हैं, ये काम करके आए कम से कम। अभी मेरे से नियर बाई जो इसका सर्विस सेंटर है चर्नी रोड ईस्ट में, स्टेशन के पास में ही है कहीं। एक्चुअली जहाँ से मैं ये फ़ोन ख़रीदा था वहाँ पर उसने बताया था कि स्टेशन के मतलब थोड़े दूसरे साइड में है, तो मैं वहीं पर जाऊँगा। अभी दूसरा मैं लोकेशन ढूंढने की कोशिश किया तो मुझे मिला नहीं, ये आसपास में वही दिखा, तो अभी चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर ही वानखेड़े स्टेडियम है, ये चर्चगेट स्टेशन का जहाँ एंड होता है वहीं से वानखेड़े स्टेडियम है। ये लाइट देख सकते हैं, ऊपर जो लाइट दिख रही है, और ये वानखेड़े स्टेडियम की लाइट है, और ये जो शेड जैसा दिख रहा है थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये वानखेड़े स्टेडियम का है, पास में ही है, एकदम चर्चगेट में ही है। हम लोग आ गए एक्चुअली, अभी स्टेशन का जो स्काई वॉक था चनी रोड स्टेशन पर, ये टूट गया, मतलब टूट क्या गया, तोड़ा गया, ये वीक हो गया था, तो अभी वही बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक वैसे भी यहाँ हमेशा ही रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक और बढ़ गया है मुझे लगता है। और ये वेडिंग का लॉन है, अभी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है एक्चुअली। यहाँ मैं गैलरी में आया था, मेरा काम भी नहीं हुआ, वो बोल रहा है कि 6:30 पर लास्ट टोकन होता है, और 6:30 की जगह पर 6:40 हो गया। मुझे फ़ोन वाले ने बताया था जहाँ से मैंने लिया था, उसने बोला था 7 बजे तक ओपन रहता है, तो अभी चलते हैं आगे। अभी मन में आ रहा है, अभी यहाँ से फ्री हो गए, काम तो हुआ नहीं मेरा, तो अभी मन में आ रहा है कि चलते हैं ससुंडा, वहाँ पर हम लोगों ने मच्छी का वो वीडियो बनाया था, अभी चलकर रात को देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन होता है। यहाँ पर एक्चुअली अंदर साइड में स्टेडियम है जहाँ की फुटबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, और ऐसा बुक कर सकते हैं एक्चुअली, कोई भी इंडिविजुअल चाहे तो आकर यहाँ बैडमिंटन वगैरह के लिए अपना कोर्ट बुक करके अपना गेम खेल सकता है, ये उसी का एरिया है। लाइट वगैरह सब पूरा होता है, दिन में याद नहीं आ रहा है। ये वही जगह है अक्षमान नगर जहाँ 2008 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, और टेररिस्ट का आने का जो जगह है वो यही है, और उसके बाद से यहाँ पर पुलिस चौकी छोटा सा मतलब ऐसा बना दिया गया है जहाँ पर कि हमेशा पुलिस वाले रहते हैं सुरक्षा के लिए। अब ये आ गए हम लोग ससुंदार, यहाँ पर हम लोगों ने फिश का वो वीडियो बनाया था, अब वही जगह आए हैं रात को देखने के लिए कि रात को कैसा माहौल होता है। एक्चुअली हम लोगों को किसी से बात करना है कि अंदर फिशिंग कर सकते हैं कि नहीं, बोट से जाकर, यदि कोई मिल गया तो फिर आगे दिखाएंगे। अभी चलो ये है ससुंदा, ये सब यहाँ पर दिन में मछलियाँ लग जाती हैं, अभी तो मछलियाँ आए नहीं, लोग ऐसे ही बैठे हैं, लेकिन मछलियों का स्मेल है, बहुत ज़बरदस्त स्मेल है, ये सब मछलियों का मार्केट लगता है सुबह में। चलते जाओ, ये डाक है, मतलब मुझे किसी के बोट के साथ जाना है 2-4 घंटे के लिए, तो है पॉसिबल क्या? नहीं नहीं हो सकता, कोई से वो 2-4 घंटे के लिए इधर नहीं है, कम से कम मच्छी मारने जाते 10-12 घंटा, इतना लंबा जाते 10-12 घंटा लग जाएगा। हाँ कम से कम 5-6 घंटा तो खाली जाने को लग जाएगा। हाँ फिर
अरे भाई यहाँ से कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं मच्छी मारने, और 10-15 दिन रहते हैं मच्छी मारने के, उसके बाद आते हैं। समझो ये छोटा उड़े ना वो आपको मिल जाएगा, एक दो बोल रहे हैं जैसे 2 घंटे के लिए, हाँ वो मिल सकता है अचानक। लेकिन ये अभी भी नहीं, वो बरसात में ज्यादा चलती है अभी, बहुत कम। मतलब मुझे किसी को हायर करना है या उसके साथ जाना है 2-3 घंटे के लिए, तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, क्योंकि आप वो मांगेगा, सामने वाला बोलेगा इतना इतना पैसा दे दो, तो आप मेरे को किसी से मिला सकते हैं, आपका है कुछ जानकारी? नहीं अभी तो फिलहाल कोई छोटा उड़े, अपना खुद का भी है, बड़ा है उसका भी बड़ा है, मतलब 2-3 घंटे में जो फिशिंग करके आ जाए। हाँ तो वही थोड़ी दो चार मछलियाँ मिल भी जाए। हाँ तो वो वही ऐसे छोटे बोट से बात करना पड़ेगा। यहाँ पर बोट है एक्चुअली, अभी तो लो टाइड है, अभी सब पानी नीचे गया है, हाई टाइड में ये बोट सब ऊपर आ जाएगी। ये दूर दूर तक ये ऐसे बोट है सब, ये पूरा इतना सारा बोट है, ये लो टाइड की वजह से नीचे अभी बैठे हुए हैं, जब हाई टाइड आएगा तो ऊपर आ जाएंगे सब, और फिर ये लोग मच्छी मारने जाएंगे। अभी मैंने इनसे एक जन से बात किया तो फिशिंग के लिए काफ़ी बड़ा चार्ज, मतलब 20,000 कम से कम लगेगा तीन घंटे के लिए फिशिंग के लिए यदि हम जा रहे हैं तो। काफ़ी स्मेल भरा हुआ है, चलो दूसरे साइड से भी दिखाते हैं, अभी इसी का दूसरे साइड से दिखाता हूँ। हाँ और ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं एक्सपोर्ट वाली मछलियाँ लेकर जाने के लिए, फिश का मंडी है तो यहाँ पर काफ़ी, मतलब ये देखो फिश आ भी रहा है आइस के साथ में, ये देखो वही एरिया है, ये यहाँ तक ये सब बोट हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी बोट हैं, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी हैं। और ये बता रहा था कि एक बार यदि फिशिंग के लिए जाते हैं तो 15-20 दिन तक जाते हैं, 300-400 किलोमीटर बोल रहा था अंदर जाते हैं, पता नहीं 300-400 जाते हैं 500 जाते होंगे कि नहीं, बोल तो ऐसा ही रहा था। अब इतनी बड़ी इन लोगों की बोट है तो जा भी सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं दिख रही है मेरे को, लेकिन पता नहीं। हम लोग फिशिंग देखने जाने के लिए बोट में जा सकते हैं क्या, छोटे बोट में? इतने टाइम अभी नहीं, अभी नहीं, सुबह में किसी भी दिन सुबह में? हाँ सुबह में। हाँ हाँ सुबह में, नहीं तो बाहर जाने के लिए? नहीं नहीं, 3-4 घंटे में मछली पकड़ते देखना है। इधर नहीं घुमाता है, इंडिया गेट से घुमाता है। अरे नहीं हम लोग, वो तो मालूम है, वो तो ऐसे फेरी लगाता है ना, हम लोग मछली पकड़ने का देखने के लिए। तो वो लोग जाएगा फिशिंग वाला ना, तो वो 20 दिन में 22 दिन में लौट गया। अच्छा वो मछली रखते कैसे हैं 20-22 दिन? आइस 20-20 टन बर्फ लेके जाता है, तो उनका आइस पिघलता नहीं है? 20-20 टन फाइबर का सब खन है, ऐसा लगाया बर्फ नीचे मारा, जैसे अभी 50 किलो नीचे बर्फ मार दिया, ऊपर से 100 किलो मच्छी डाला, फिर 50 किलो बर्फ मारा, फिर 100 किलो। लेकिन बर्फ 20 दिन पिघलता नहीं है? फाइबर है उसमें, ढक्कन इतना मजबूत रहता है, पाइप बना रहता है। अरे और 20-20 दिन मछली वो पड़ी रहती है, मर जाती होगी ना मछली? मछली तो मर जाती है लेकिन खराब नहीं होगी, तुमको वास नहीं मारेगी, वैसे ताजी की ताजी दिखेगी, जैसे यही समझो कि जैसे जिंदा उधर से आई है, मर गई है, वास नहीं मारेगी। आदमी कैसा बर्फ के अंदर लगा दो, और वो सब खाते हैं लोग जो इतने दिन बाहर जाते हैं, नो टेंशन, वही सब खाते हैं, जो नहीं आए तो वही बर्फ। क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं? आइस लगा कर। तो ऐसे हम लोग छोटे वाले बोट में नहीं जा सकते 3-4 घंटा घूम कर आने के लिए? किसी से बात करना पड़ेगा। ये फिश यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, ये सब गोडाउन है उनका, ये आइस में लगे हुए हैं। एक्चुअली मैं निकला था अपना फ़ोन बनवाने के लिए, यहाँ चलो फ़ोन को चेक करवा लेता हूँ, देखता हूँ क्या उसमें प्रॉब्लम है, तो वो काम तो हुआ नहीं। एक्चुअली हम लोग 10 मिनट लेट पहुँचे, तो 10 मिनट लेट की वजह से वो लिया भी नहीं और काम नहीं हो पाया, अभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे फिर कभी। तो वहाँ से हुआ कि सीधे चलते हैं डॉकयार्ड, यहाँ पर चलकर यहाँ जो सुबह में हम लोगों ने फिश का वीडियो बनाया था, और सुबह में यहाँ फिश का पूरा मार्केट लगता है, मंडी टाइप का, तो आकर देखें यहाँ पर एकदम बिल्कुल अलग नज़ारा। यहाँ पर इस टाइम में सिर्फ एक्सपोर्ट वाली मछलियाँ उसको कर रहे हैं और सब पैक कर रहे थे थर्मो बॉक्स में, तो आइस वगैरह के साथ में, और यहाँ स्मेल बहुत ज़्यादा है मछलियों का। एक्चुअली यदि आप इधर घूमते हो और आप यूज्ड टू नहीं है तो बहुत मतलब आपको बॉदर कर सकता है, लेकिन काफ़ी मतलब हम लोगों ने जानकारी निकाला। और फिशिंग के लिए हम लोग जाना चाहते थे समंदर के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये लोग जब मछली पकड़ने जाते हैं तो बता रहे थे 15-20 दिन तक लगातार वो लोग ऐसे ही सेलिंग करते रहते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ से फिशिंग करके आते हैं। वो लोग बड़ा बड़ा आइस लेकर जाते हैं और थर्मो बॉक्स में, और उसमें मछलियाँ रखते हुए आइस से उसको पैक करके लेकर आते हैं।
तो और छोटी बोट भी कम से कम 3-4 दिन के लिए जाती है। तो अब हम लोग 3-4 दिन के लिए या 15-20 दिन के लिए तो जा नहीं सकते। सोचे थे 2-4 घंटे में, तो बोल रहा है कि कम से कम 6-8 घंटे एक दिन तक जाएगा तो मछली पकड़ने वाले जोन में जा पाएगा। तो उन लोगों का अपना है सब कुछ टेक्निक और कहाँ मिलता है ये उन लोग जानते हैं। तो हम लोगों को जाना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा जानकारी निकाला, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा शाम को घूमने का भी हो गया था, बस मज़ा आया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कोई भी परिस्थिति उसमें डटे रहिए। बाय बाय।